तो गाइस मैं आपको बताऊंगा कि जो मस्कीटो का जो रैकेट होता है ये वाला, इसको रिपेयर कैसे करते हैं। तो देखिए हमारा जो ये रैकेट है ये पूरा ख़राब हो चुका है। देखिए मैं आपको स्विच प्रेस करके भी दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। मतलब ये पूरा का पूरा जो रैकेट है वो फूक चुका है। इसका जो लाइट है वो ग्लो कर रहा है, पर इसका जो मेन किलर का स्विच है उसको दबाने से ही ये बुझ जा रहा है, यानी कि ये ख़राब हो चुका है। तो देखिए फिर से वही हो रहा है। तो मैं इसे पहले खोल लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स मैंने इसे खोल लिया है। अभी देखिए ये है इसका अंदर का कुछ तामझाम, ये देखिए। और ये वाला जो सर्किट है ये एक नट से कसा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये ब्राउन कलर का जो है ये पीएफ है। तो मैं पहले सर्किट को निकाल लेता हूँ, धीरे धीरे निकालना पड़ेगा नहीं तो सर्किट टूट भी सकता है। देखिए मुझे बहुत ज़ोर से करंट लगा क्योंकि मैं बैटरी डिसकनेक्ट करना भूल गया। ये मेरी थोड़ी गलती के कारण मुझे बहुत ज़ोर का झटका लगा, पर आप लोग जो है बैटरी को पहले रिमूव कर लेना। मैं इसे बहुत ही सावधानी से अभी रखता हूँ, फिर मैं बैटरी को डिसकनेक्ट करूँगा। तो ये देखिए ये है हमारा बैटरी, इसको अभी हम डिसकनेक्ट करने वाले हैं। तो अब देखिए ये वाला जो वायर है मैं इसको भी डिसकनेक्ट करूँगा। तो गाइस देखिए अब मैं यहाँ पे जो है इसका बैटरी जो है मैं चेंज करने वाला हूँ। यहाँ पे जो है मेरा नॉर्मल लाइलॉन का बैटरी था, तो मैं यहाँ पे लिथियम बैटरी लगाऊंगा। ये देखिए ये मेरा 3000 mAh का बैटरी है, ये वीपो का बैटरी है, काफ़ी अच्छा बैटरी है, ये काफ़ी अच्छा बैकअप भी देगा। तो मेरा जो है ये रैकेट काफ़ी बड़ा साइज़ का है, इसके लिए मुझे यहाँ पर कुछ कटिंग वटिंग करने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पे देखिए मेनली जो हमारा ये रैकेट है इस पर दो ही चीज़ें ख़राब होती है, एक तो ये ब्राउन कलर का जो पीएफ है वो, या तो आपका बैटरी। तो मेरा तो यहाँ पे बैटरी ख़राब था तो मैं बैटरी को रिप्लेस कर दिया चल गया, पर आपका जो पीएफ है उसमें एक नंबर लिखा हुआ होगा, उस नंबर का जो सेम नंबर है आपको उस नंबर का ही जो है पीएफ ख़रीद के लगा देना अगर आपका पीएफ ख़राब हुआ है। तो देखिए मैं पहले बैटरी का पॉजिटिव पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे नेगेटिव कनेक्ट करूँगा। तो मैंने पॉजिटिव के लिए जो है रेड कलर का वायर यूज़ किया है और नेगेटिव के लिए ब्लू कलर का वायर। तो अभी देखिए ये कनेक्ट हो रहा है। और मेरा जो है ये एसी वाला जिससे चार्ज होगा ये वाला वायर भी निकल चुका था, तो मैं इसे भी सोल्डरिंग कर दूंगा। तो देखिए मैं पहले इसे सोल्डरिंग करता हूँ, इसके लिए सोल्डर वायर को गला के इसके सोल्डरिंग कर देता हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पे हमारा सोल्डरिंग जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है। तो अभी हम इसको रख देते हैं और इसका देखिए सारी चीज़ें ही ढंग से काम कर रहा है। अब हम जो है इसके सारे चीज़ों को पहले जैसा लगा लेते हैं लाइन बाय लाइन वाइज। देखिए इस तरीके से सबको चेक करते रहना है, नहीं तो आपका अगर कुछ टच हो गया तो पूरा फूक जाएगा, ये फिर से आपका नुकसान हो जाएगा। तो अभी देखिए मैं नट बोल्ट को कस देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरा सब कुछ फिक्स हो चुका है। तो गाइस देखो अभी आ चुका है मेन फैसले की घड़ी, जहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमारा चार्ज हो रहा है या नहीं। तो देखिए ये पे मेरा जो है 2 पिन वाला जैक है, मैं इसको कनेक्ट कर दिया, अभी स्विच को ऑन करता हूँ। तो देखिए ये ऑन हो चुका है और ये काफ़ी अच्छे तरीके से चार्ज भी हो रहा है। तो मैं अभी इसका जो साउंड है मैं आपको वो टेस्ट करके सुनाता हूँ। कभी मैं प्रेस करूँगा, देखिए लाइट जल रहा है और इसको मैंने यहाँ पे मिडिल में लाया तो ये ऑफ हो गया। इसके बाद ऐसे लाऊंगा तो ये भी ऑन हो जाएगा, प्लस ये भी ऑन हो जाएगा, मतलब मैं इससे मार भी सकता हूँ और इससे देख भी सकता हूँ।
तो गाइस देखिए ये कितने अच्छे तरीके से जो है काम कर रहा है अभी भी, और ये जो है मेरा पूरा सक्सेसफुल, मैंने इसको रिपेयर कर दिया है। आप भी इसको आसानी से घर पर रिपेयर कर सकते हो मैंने जो जो प्रोसेस बताया उस प्रोसेस को फॉलो करके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि बहुत से लोग अपने जो है इस चीज़ को रिपेयर नहीं कर पाते, जो कि कितना आसान है आप लोगों ने देखा, तो वो दुकान में देते हैं और दुकान वाला कितना पैसा उनका चार्ज करते हैं। तो ये 50 रुपीज़ के अंदर मेरा ठीक हो गया। आप लोग भी इसे घर पर ज़रूर ठीक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यार मेरा 170 सब्सक्राइबर है, पर मैं जो है बहुत दिनों से वीडियो डाल रहा हूँ पर आप लोग जो है सब्सक्राइबर इंक्रीज नहीं कर रहे। तो यार इस मंथ में आप लोग अगर ट्राई करोगे तो मेरा 200 सब्सक्राइबर भी हो जाएगा। तो आप लोग ट्राई करना कि मेरा 200 सब्सक्राइबर्स हो जाए। ठीक है, बाय।